World's most popular cosmetic surgery is liposuction, where rigid fat deposited in certain areas of the body is sucked out. ALCS is a pioneer center in the city of Jaipur, where plastic and cosmetic surgeon Dr. Sunil Arora leads every procedure. In this video, he speaks about liposuction. लाइपोसक्शन एक वो मिनिमली इन्वेजिव सर्जिकल टेक्निक है जिसके द्वारा कि हम जो बॉडी के पार्ट्स में अनवांटेड फैट होता है या फिर रेजिस्टेंट फैट होता है उसे बहुत ही छोटे कट 2 से 3 mm, 4 mm के कट्स के द्वारा सक कर लेते हैं और उस जगह पे फैट कम कर देते हैं। जो बेसिकली अगर हम बात करें आइडियल कैंडिडेट्स फॉर लाइपोसक्शन, वो कैंडिडेट्स वो होते हैं जो कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद भी लोकलाइज्ड एरिया में जैसे कि एब्डोमेन हो गया, लव हैंडल्स हो गए, आर्म्स हो गई, एक्जिला हो गया या फिर थाइज हो गई, बटक्स हो गई, में उन लोकलाइज्ड एरियाज़ में से फैट रेजिस्टेंट फैट कहते हैं जो कि एक मोटिवेटेड डाइटिंग या फिर एक्सरसाइज के बाद भी नहीं जाता है, उसे हम लाइपोसक्शन या लाइपोस्कल्पिंग के द्वारा आराम से कम कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी शेप बॉडी को दे सकते हैं। देखिए, यदि हम एज अ पेशेंट को पूरा देखें तो कई जगह ऐसा होता है कि फैट ज़्यादा होता है और कई जगह ऐसा होता है कि फैट या एक तरह से एक्स्ट्रा एक्सेस टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह के पेशेंट्स के अंदर हम जो लाइपोसक्शन किया गया होता है फैट किसी भी एरिया से, उसको जिस एरिया में फैट की कमी है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि कई पेशेंट्स आते हैं जिनका 35 के बाद फेस थोड़ा सैग कर गया होता है, चीक्स थोड़े अंदर चले गए होते हैं और लेकिन एब्डोमेन पे फैट होता है, तो उनका जो फैट हम एब्डोमेन से सक करते हैं उसे हम फेस के अंदर लाइपोफिलिंग के काम में ले लेते हैं, फैट ग्राफ्टिंग जिसे हम कहते हैं, जिससे कि वो एक तरह से ड्यूअल पर्पस सॉल्व करता है कि पेट से फैट भी कम हो गया और जो फेस पे था, फेस का जो स्किन और जो आर्किटेक्चर है वो वापस एक तरह से यूथफुल लुक की तरफ चला जाता है। तो पेशेंट ऑल टुगेदर विद फेस एंड एज वेल एज विद एब्डोमेन एक यंग और बेटर फील करते हैं। नहीं, अगर हम लाइपोसक्शन में एडवांसेस की बात करें तो सबसे पहले जो लाइपोसक्शन शुरू हुआ था वो बेसिकली सक्शन मशीन के साथ अटैच्ड कैन्यूला के साथ हुआ था, जिससे कि अब हम कन्वेंशनल लाइपोसक्शन कहते हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के साथ बहुत सारी टेक्निक्स आती गई, जिसमें वाइब्रेशन असिस्टेड डिवाइस आए, जिसमें पावर जेट आया, वाटर जेट आए, लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन आए और अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन है। यदि हम लेटेस्ट टेक्निक की बात करें लाइपोसक्शन में, तो अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड टेक्निक है लाइपोसक्शन के लिए, जो कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बॉडी स्कल्पटिंग। अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन के जो एडवांटेजेस हैं ओवर रिमेनिंग लाइपोसक्शन टेक्निक्स, वो ये है कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ड्यूरिंग इमल्सिफिकेशन या फैट को इमल्सिफाई करते समय, वो सिर्फ और सिर्फ फैट को इमल्सिफाई करती हैं, वो नर्व्स, आर्टरीज, वेंस और किसी चीज़ को डैमेज नहीं करती हैं, तो वो फैट सेलेक्टिव होती है। इससे एडवांटेज ये रहता है कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जो पेशेंट की रिकवरी है वो क्विक होती है। इसके साथ साथ जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग लाइपोसक्शन या ड्यूरिंग इमल्सिफिकेशन बिकॉज ऑफ दीज अल्ट्रासोनिक वेव्स, वो स्किन की जो टाइटनिंग होती है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में वो एक तरह से बहुत अच्छी रहती है। हम अल्ट्रासोनिक टेक्निक से लाइपोसक्शन करते हैं। फैट बॉडी में दो जगह पे रहता है, एक तो स्किन के नीचे जिसको कि हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं और दूसरा जो कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड होता है जिसे हम विसरल फैट कहते हैं। जो लाइपोसक्शन टेक्निक से फैट कम किया जाता है वो सबक्यूटेनियस फैट होता है जो स्किन के नीचे होता है, और जो विसरल फैट है उसको कम करने के लिए डाइटिंग एंड एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट मेथड। लाइपोसक्शन के बाद यदि हम हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे कि डाइटिंग और रेगुलर एक्सरसाइज मेंटेन करें तो रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग और लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, और यदि हम उन चीज़ों को नहीं फॉलो करें तो डेफिनेटली फैट वापस आने के चांसेस रहते हैं।